नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल पर। आज किसी वीडियो में हम लोग UPPCS 1997 ईस्वी के क्वेश्चन पेपर हैं उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले जो है 1997 ईस्वी के तीन लेक्चर जो है 30-30 क्वेश्चन के चैनल पे पढ़ चुके हैं, उसको जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में जो है ऐड कर दिए गए हैं, UPPCS DHO के प्ले लिस्ट जो बना हुआ है वहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो ऐड कर दिए गए, तो वहाँ से जाके आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा है, और साथ ही साथ अदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं UPPCS के हुए, TGT PGT के हुए, UPBEd के हुए, वो सभी जो है चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जा जा के वीडियो देख सकते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हों तो उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। ये इसी टाइप के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन जो कि 1997 ईस्वी में पूछे गए हैं एग्रीकल्चर के PCS के एग्ज़ाम में, तो वो इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका कमेंट करके आंसर बताते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को यहीं पर। तो क्वेश्चन नंबर 91 है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सैचुरेशन एक्सट्रैक्ट ऑफ सैलाइन सोडिक सॉयल इन MHOS पर सेंटीमीटर इज। तो लवणयुक्त क्षारीय मृदाओं के संतृप्त सार की वैद्युत चालकता जो है वो कितनी मोल सोस प्रति सेंटीमीटर इकाई में होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3.5, 2 से 3 के बीच में, और 4 से अधिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर जो दिया गया है, 4 से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, डिफिशियंसी सिम्टम ऑफ कैल्शियम ऑन प्लांट आर फर्स्ट नोटिस एट। कैल्शियम की कमी के लक्षण जो है पौधों पर सर्वप्रथम कहाँ दिखाई देते हैं। इंग्लिश में अगर देखें लोअर लीव्स, बी ऑप्शन जो दिए गए हैं मिडिल लीव्स है, सी ऑप्शन जो है टर्मिनल लीव्स है, एंड डी है ऑल ऑफ लीव्स। तो हिंदी में देखा जाएगा तो सबसे नीचे पत्तों पर ए ऑप्शन है, बी है शीर्ष पत्तों पर, सी है बीज के पत्तों पर, एंड डी है सभी पत्तों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में हिंदी और इंग्लिश के दोनों जो है मिसमैच हैं और दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो दिया गया मिडिल लीव्स दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो है शीर्ष पत्तों पर दिए गए हैं, इसलिए जो है यहाँ पे राइट आंसर जो माना जाएगा वो इंग्लिश के आंसर की के अकॉर्डिंग ही माना जाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो 92 में सी वाला आंसर हो जाएगा, टर्मिनल लीव्स, यानी बी वाला ऑप्शन जो हिंदी में दिया गया है शीर्ष पत्तों पर जो है कैल्शियम की डिफिशियंसी जो है वो दिखाई देती है। तो डिफिशियंसी सिम्टम जो है प्लांट पे वो कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं, जिंक जो है वो कहाँ पे दिखाई देता है, तो ये भी जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नए पत्तों पर जो है दिखाई देने वाले सिम्टम जो है वो किस किस न्यूट्रिशन के हैं, न्यूट्रिएंट के हैं, उसके बारे में हम एक नीटिक है वो स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर चैनल पर पड़ा हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो नया जो ट्रिक है वो है न्यू सरफरी लड़के, तो न्यू सरफरी मीन्स हो जाएगा नई पत्ती, न्यू सरफरी यस से हो जाएगा सल्फर, मांगे क्यों, क्यों से हो जाएगा आपका कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है नई पत्तियों पर दिखाई देता है, शीर्ष पत्तों पर जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कैल्शियम जो है वो आपका टर्मिनल लीव से दिखाई देता है, लेकिन जो है अगर नई पत्ती की बात की जाए तो नई पत्ती में जो है कॉपर हो गया, सल्फर हो गया, फेरस, ये सभी जो है नई पत्तियों पर सिम्टम दिखाई देते हैं। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं नई पत्तियों पे, ओल्ड लीव्स पे, नाना पाटेकर मांगे मोहम्मद ओल्ड लेटी से, तो ये जो हो जाता है कौन सा, ये किसका है, तो नाना पाटेकर मतलब NPK जो है नाना पाटेकर मांगे MG मोहम्मद ओल्ड लेडी से, तो ओल्ड लेडी मीन्स पुरानी पत्तियों पर, तो पुरानी पत्तियों पर सिम्टम जो है किसके न्यूट्रिएंट के दिखाई देते हैं, NPK हो गया, MG हो गया, MN हो गया, तो मांगे मोहम्मद ओल्ड लेडी, तो ये जो है आपका होता है ओल्ड लीफ पे। लेकिन यहीं पे अगर नई पत्तियों पे पूछा जाए न्यू सरफिरे लड़के मांगे क्यों, तो सल्फर फेरस हो जाएगा, क्यू से कापर हो जाएगा, तो इनका जो है सिम्टम जो है वो नई पत्तियों पर दिखाई देता है, टर्मिनल पर पे जो है आपका कैल्शियम का दिखाई देता है। तो ये जो है आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं। तो ये राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 92 में वो आपका सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, किन्नो इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्वीट ऑरेंज, बी है मैंड्रीन, सी है ग्रेप फ्रूट एंड डी है लेमन। तो क्वेश्चन नंबर 93 में जो राइट आंसर होगा वो बी वाला आपका आंसर हो जाएगा, मैंड्रीन, तो संतरा। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 93 में कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 में जो पूछा जा रहा है, ओनियन वेराइटी सुटेबल फॉर ग्रोइंग इन प्लांट ड्यूरिंग द रेनी सीजन इज, ए है हिसार टू, बी है पूसा रेड, सी है पटना रेड एंड डी है निफाड 53। तो निफाड 53 जो है किसकी वेराइटी है, ये काफ़ी फेमस वेराइटी है ओनियन की, और ये आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में जो है पूछा जाता है, तो ये याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 94 में जो राइट आंसर होगा डी वाला आंसर, निफाड 53 जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैदानों में बरसात में उगाने के लिए उपयुक्त प्याज की किस्म जो है निफाड 53 है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 94 में डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, विच वेराइटी इज रेसिस्टेंट टू मैंगो मालफॉर्मेशन, कौन सी जाति जो है आम के गुच्छा रोग से अवरोधी है। चार ऑप्शन दिए गए, लंगड़ा, बी है मल्लिका, सी है दसारी एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर 95 में जो राइट आंसर है, तो कौन सा जाति जो है आम का गुच्छा रोग से गुच्छा रोग अवरोधी है, इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा, इसका कमेंट करके आपको वीडियो में बताना है। इसका आंसर काफ़ी बार आप लोगों को बताया जा चुका है, टेलीग्राम में भी पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड द सॉयल बल्क डेंसिटी इन इंक्रीज, बी है बल्क डेंसिटी टू डिक्रीज, सी ए बल्क डेंसिटी डज नॉट चेंज एंड डी है नॉन ऑफ दीज। तो जब मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ डाला जाता है, ए है स्थूल घनत्व बढ़ जाता है, स्थूल घनत्व घट जाता है, स्थूल घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता, एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 96 में जो राइट आंसर होगा बी वाला आंसर जो दिया गया है, बल्क डेंसिटी इज डिक्रीज, तो स्थूल घनत्व जो है वो घट जाता है। तो राइट आंसर जो है 96 में बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, द अवेलेबिलिटी ऑफ मॉलिब्डेनम इज मोर एट, ए है pH 5.0, बी है pH 7.0, सी है pH 7.5 एंड डी है pH 9। तो क्वेश्चन नंबर 97 जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, मॉलिब्डेनम की उपलब्धता जो है अधिक कहाँ पे होती है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 97 में बी वाला आंसर हो जाएगा आपका, 7 pH मान पर। तो राइट आंसर जो है 97 में कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 में बी वाला आंसर जो दिए गया है आपका 7 pH मान, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैश्ड, बी है ए है पाइन एप्पल बेरी, बी है एप्पल पेपो, सी है स्ट्रॉबेरी सोरोसिस एंड डी है मैंगो ड्रुप। तो राइट आंसर जो है 98 में कौन सा राइट आंसर होगा, यहाँ पे जो ए ऑप्शन दिया गया पाइन एप्पल बेरी टाइप का फ्रूट होता है, राइट आंसर जो है यह नहीं है, तो रॉन्ग है। एप्पल में पेपो तो ये भी रॉन्ग है, स्ट्रॉबेरी सोरोसिस ये भी रॉन्ग है, मैंगो ड्रूप। तो राइट आंसर जो है 98 में वो आपका डी वाला आंसर जो दिए गया है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99, डाइकोगैमी इज रिकॉर्डेड रिगार्डेड एज मेन कजेज फॉर पुअर क्रॉपिज, भिन्न पक्वता ही कम पैदावार का मुख्य कारण है, ए है लोकट, बी है स्ट्रॉबेरी, सी है कस्टर्ड एप्पल एंड डी है प्लम। क्वेश्चन नंबर 99 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, भिन्न पक्वता ही कम पैदावार का मुख्य कारण जो है वो शरीफा यानी कस्टर्ड एप्पल में होता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका 99 वाला में सी वाला आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 99 सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सीड प्लॉट टेक्निक इज फॉलो इन, ए है व्हीट, बी है पैडी, सी है पोटैटो एंड डी है बाजरा। तो क्वेश्चन नंबर 100 में जो राइट आंसर होगा, सीड प्लॉट टेक्निक जो है किस में अपनाया जाता है, आलू में। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 100 में कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर जो दिए गए आपका आलू वाला वो राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 100 नंबर पे जो क्वेश्चन है आलू पोटैटो वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, स्टोबैक्टर फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ए है सिम्बियोटिकली, बी है नॉन सिम्बियोटिकली, सी है बोट सिम्बियोटिकली एंड नॉन सिम्बियोटिकली एंड डी है नॉन ऑफ द एबव। तो एस्टोबैक्टर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है सहजीवी रूप में, असहजीवी रूप में, सहजीवी असहजीवी दोनों रूप में,
उपरोक्त में से कोई कथन सही नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? एस्ट्रोबैक्टर वाला सभी लोगों को मालूम है, या सिम्बियोटिक होता है, नॉन सिम्बियोटिक होता है, कौन सा राइट आंसर होगा? बी वाला होगा या ए वाला या सी वाला? इसको आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 102, द सॉयल इज वेल फ्लोक्यूलेटेड इफ इट हैज मोर ऑफ ए है सोडियम, बी है जिंक, सी है पोटेशियम एंड डी है कैल्शियम। तो मृदा भली भांति उड़ी पिंडित होगी यदि अधिक होगा सोडियम, जस्ता, पोटेशियम, कैल्शियम। तो क्वेश्चन नंबर 102 में जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर जो दिए गए आपका कैल्शियम वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मृदा भली भांति उड़ पिंडित होगी यदि कैल्शियम जो है उसमें अधिक पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103, रॉक फास्फेट इज यूज इन ए नेचुरल सॉयल, बी एसिडिक सॉयल, सी एल्कलाइन सॉयल एंड डी सैलाइन सॉयल। तो रॉक फास्फेट का प्रयोग जो है कहाँ पे करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए, उदासीन मृदा में, अम्लीय मृदा में, क्षारीय मृदा में, डी है लवणीय मृदा में। तो क्वेश्चन नंबर 103 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर सभी लोगों को मालूम है, ये काफ़ी बार आप लोगों को सॉल्व भी कराया गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कई बार हमने बताया है। इसका आंसर भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में जो है बताना है, तो राइट आंसर कौन सा होगा रॉक फास्फेट जहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104, इम्प्रूव्ड गोल्डन येलो एंड कैलिफोर्निया एडवांस आर वेराइटी ऑफ ए मैंड्रीन, बी येलो कट, सी एप्पल एंड डी पपाया। तो इम्प्रूव गोल्डन येलो एंड कैलिफोर्निया एडवांस जो है वो किसकी वेराइटी है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अगर बात की जाए 104 में तो लोकट की वैरायटी है, तो राइट आंसर जो है बी वाला आंसर जो दिया गया है आपका वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105, पेपिन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, पेपिन जो है निकाला जाता है किससे? पॉपी से, पपाया से, पाइन से, रबर से। तो पेपिन जो है वो किससे निकाला जाता है सभी लोगों को मालूम है, तो क्वेश्चन नंबर 105 में जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर, पपाया, पपीता से जो है पेपिन निकाला जाता है। तो राइट आंसर जो है 105 में बी वाला आंसर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, व्हाट विल बी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट 50% एसीएम ऑफ इट हैज फिल्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ 20% एंड 8% रिस्पेक्टिवली। ए है 18%, बी है 14%, सी है 12% एंड डी है 10%। तो 50% उपलब्ध मृदा जल पर कितने प्रतिशत मृदा होगी यदि इसमें क्षेत्र क्षमता व अग्लान बिंदु क्रमता 20% व 8% होंगे? तो ए है 18%, बी है 14%, सी है 12% एंड डी है 10%। तो क्वेश्चन नंबर 106 में जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी वाला आंसर, 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, फॉर कंट्रोल ऑफ वीड इन पी हर्बिसाइड यूज इन ए 2,4-D, बी है MCPV, सी है डॉक्सानेक्स एंड डी है ट्राजीन। तो क्वेश्चन नंबर 107 में जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे मटर में खरपतवार नियंत्रण है, खरपतवार नाशी डॉक्सानेक्स का प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 107 में कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा है आयोग के आंसर की के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 108 है, माउंट मोरिलोनाइट क्ले हैज सिलिका एंड एल्यूमिना लेयर रिस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। ए है 2:1, बी है 1:2, सी है 3:2 एंड डी है 2:3। तो माउंट मोरिलोनाइट मृदा में सिलिका और एल्यूमिनियम जो है उनका क्रमशः अनुपात जो है वो कितना होता है? तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 108 में जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? ए वाला आंसर जो दिया गया है 2:1 का। तो राइट आंसर जो है 108 में कौन सा होगा? ए वाला आंसर जो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 109 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन नाइट्रिफिकेशन इन द सॉयल। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मृदा नाइट्रिफिकेशन करता है? स्यूडोमोनास, माइक्रोकोकस, सी है थोयोबैसिलस एंड डी है नाइट्रोसोमोनास। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 109 में जो राइट आंसर होगा वो आपका डी वाला आंसर हो जाएगा, नाइट्रोसोमोनास जो है वो सूक्ष्मजीवी मृदा जो है नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया जो है नाइट्रिफिकेशन करता है। तो राइट आंसर जो है 109 में डी वाला आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, व्हाइट ग्रब
बीटल ले एक्स ऑन इन, श्वेत गिदार की प्रौढ़ अंडा देती है टहनी पर, अंडर साइड ऑफ लीव, सी है सॉयल एंड ए मडी वाटर, तो टहनी पर पट्टियों की निचली सतह पर, सी है मिट्टी में एंड ए कीचड़ युक्त पानी में। तो क्वेश्चन नंबर 107 में जो राइट सॉरी 110 में राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी वाला आंसर, मिट्टी में। तो श्वेत गिटार के प्रौढ़ अंडा जो है कहाँ पे दिया जाता है, मिट्टी में दिया जाता है। राइट आंसर जो है कौन सा होगा, सी वाला आंसर जो दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पायरेथ्रेनम इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द, पायरेथ्रेनम निकाला जाता है लीव्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम, फ्लावर्स ऑफ निकोटियाना टोबैकम, स्टेम ऑफ क्राइसेंथेमम स्पेसीज एंड ए फ्लावर पेटल्स ऑफ क्राइसेंथेमम स्पेसीज। द राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 111 में अगर बात की जाए, पायरेथ्रेनम जो है वो कहाँ से निकाला जाता है, फ्लावर पेटल्स ऑफ क्राइसेंथेमम। द राइट आंसर जो है डी वाला आंसर जो दिया गया यहाँ पर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 111 में कौन सा हो जाएगा, डी वाला आंसर जो दिया गया है, फ्लावर पेटल्स ऑफ क्राइसेंथेमम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 112 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्रोथ रिटार्डेंट, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि मंदक है, 2, 4, 5, 3, साइकोसिल, CEPA, सेपा जिसे कहते हैं, TIBA, टीबा। तो राइट आंसर 112 में कौन सा होगा, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, तो यहाँ पे सी वाला सेपा जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, द करेक्ट पेयर इज राइस वाइट गर्ब ग्रब, बी ए पोटैटो वाइट एंड सी ए शुगर केन वेविल्स, डी ए ग्राम पॉट बोरर। तो इसमें सही जोड़ा कौन सा होगा 113 में, सभी लोगों को मालूम है चना में फली भेदक कीट जो है पॉट बोरर लगता है। मैच जो कौन सा कर रहा है, डी वाला आंसर, चना फली भेदक यानी ग्राम पॉट बोरर जो है वो लगता है। तो करेक्ट पेयर जो है 113 में कौन सा है, डी वाला आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 114, पॉलन बास्केट इज फाउंड इन द हिंद लेग, तो पिछले पैर पर पराग थैली पाई जाती है किसमें, टर्माइट में, हनी बी में, एंट में, बटरफ्लाई में। तो क्वेश्चन नंबर 114 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा बी वाला, मधुमक्खी में जो है पिछले पैर की पराग थैली जो है वो पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है 114 में कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 115 है, वाई इंसेक्टिसाइडियल स्प्रेइंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन क्रॉप आर इन फ्लावरिंग स्टेज, तो फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का छिड़काव क्यों नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर कौन सा होगा, टू प्रिवेंट फ्लावर ड्रॉपिंग, टू फैसिलिटी प्रॉपर फ्रूट सेटिंग, टू प्रोटेक्ट बीज एंड टू प्रिवेंट इंसेक्टिसाइडियल रेसिडेंस। तो पुष्प क्षरण रोकने के लिए, समुचित फल लगने हेतु, मधुमक्खी अवशेष नियंत्रण हेतु, कीटनाशी अवशेष नियंत्रण हो। तो क्वेश्चन नंबर 115 में राइट आंसर जो है कौन सा होगा, सी वाला आंसर जो है आपका हो जाएगा, बीज। तो यानी मधुमक्खी का अवशेष नियंत्रण के लिए जो है वो वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 115 में राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 116 है, विच वन इज द एंटी, ए ऑप्शन दिया है जिंक फॉस्फाइड, बी है एल्युमिनियम फॉस्फाइड, सी है मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड डी है ब्रोमिडियोलिन। तो निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन रोधी है, जिंक फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ब्रोमोडाइनलोन। तो क्वेश्चन नंबर 116 में राइट आंसर जो है कौन सा होगा, डी वाला आंसर जो दिया गया है, ब्रोमोडाइनलोन, वो रक्त स्कंदरोधी एंटी कोगुलेंट जो है होता है। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 116 में डी वाला आंसर जो दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 117, अंडर इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल वी इंटीग्रेट कल्चरल एंड बायोलॉजिकल मेथड, बायोलॉजिकल एंड लीगल मेथड,
फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑल टाइप्स ऑफ मेथड। तो समाकालित कीट नियंत्रण प्रणाली में हम समाकालित करते हैं किसको करते हैं, तो राइट आंसर कौन सा होगा, सभी प्रकार की विधियां जो दी गई हैं यहाँ पे, कृषिगत कर्षण तथा जैविक विधियां को प्रयोग करते हैं, जैविक तथा वैधानिक विधियां, भौतिक तथा रासायनिक विधियां, सभी प्रकार की विधियां, इन सभी जो है राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 117 में वो आपका डी वाला आंसर जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, द बेस्ट टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड टू ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप्स, ऑर्गेनोक्लोरीन, ऑर्गेनोफॉस्फेट, कार्बामेट, सिंथेटिक फाइट्रियाइड्स। तो क्वेश्चन नंबर 118 में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला आंसर जो दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 119, येलो मोजैक इन सोयाबीन इज स्प्रेड बाई सीड्स, सोयल, एयर, वाइट फ्लाई। ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो है येलो मोजैक इन सोयाबीन स्प्रेड फॉर, तो सोयाबीन में पीला मोजैक जो है फैलता है किसके कारण, बीज द्वारा, मृदा द्वारा, हवा द्वारा, सफ़ेद मक्खी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 119 में जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर हो जाएगा, मृदा के द्वारा जो है फैलता है। तो राइट आंसर जो है 119 में बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 120, लूज स्मट ऑफ वीट इज कंट्रोल्ड बाई ए है सी ट्रीटमेंट, बी है सॉयल स्टरलाइजेशन, सी है क्रॉप रोटेशन, डी है थीरम स्प्रेयर ऑन क्रॉप। गेहूं में कंडुआ रोग का नियंत्रण जो है वो किसके कारण होता है, तो बीजोपचार के द्वारा, सी ट्रीटमेंट के द्वारा जो है कंडुआ रोग का नियंत्रण हम कर सकते हैं। तो राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 120 में कौन सा हो जाएगा, ए वाला आंसर। इसका आंसर जो है हमें याद है कि प्रीवियस लेक्चर जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसी ने आंसर इसका नहीं दिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है 120 में कौन सा हो जाएगा, तो ए वाला आंसर जो है सी ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन जो है, द परसेंटेज ऑफ टोटल सॉलिड इन शुगर केन जूसी इज कॉल्ड एज, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ प्रतिशत को क्या कहते हैं, शुगर इंडेक्स, ब्रिक्स, सुक्रोज इंडेक्स, इनमें में से कोई नहीं। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेलक्रेस्ट वेराइटी ऑफ टोबैको बिलोंग टू ए फ्लू चोरेट सीक्रेट, बीड़ी तंबाकू, चेरू तंबाकू, चबाने वाले तंबाकू। तो यहाँ से आपको मिल रहा है डेलक्रेस्ट किसकी वेराइटी है, तो ये दो प्रश्न हो गए, तो इनका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ से जो है आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।